हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, आज बिजनेस एनवायरनमेंट की केस स्टडीज करनी है, और बेटा एक ही दिन में खत्म करनी है एपीसी बुक की केस स्टडी। कल हम बात तो जरूर करेंगे, लेकिन बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे सर। ठीक है जी। बेटा मैंने ना लास्ट टाइम हिंट लिखवाए थे आपको कुछ केस स्टडी ढूंढने के लिए। बेटा सबसे ज्यादा केस स्टडीज ना डायमेंशंस पर ही आएंगी, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, दैट मींस फोर्सेस के ऊपर। तो बेटा सभी स्लैब के मैंने क्या कर दिए, शॉर्टकट लिख दिए, एक बार पढ़ लो, जिसने नहीं लिखे वो बाद में लिख लेगा। बेटा इन चार पे चर्चा तो मैं बैच में ही कर देता हूं। ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। बेटा कभी आपको कहे शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई बात केस स्टडी में, या स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बात, बाबू दोनों टर्म एक ही हैं। मुझसे अगर फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा है तो ठीक है ना सर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है बाबू। इंडिया की दो बड़ी फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, उन्हीं के नाम एनएससी और बीएससी। बेटा एनएससी का इंडिकेटर निफ्टी, बीएससी का इंडिकेटर सेंसेक्स। ठीक है जी। ऐसे ये दो टर्म भी बहुत ज्यादा रिपीट होती है, इनकम इज राइजिंग, कंज्यूमर इनकम इज राइजिंग। कुछ भी आ जाए इस 10 में से बेटा, आंसर इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है जी। चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। सोशल एनवायरनमेंट, बेटा कस्टम एंड ट्रेडिशन और ट्रेंड, ये बातें तो मैंने बैच में ही कर दी हैं, इसके अलावा मैंने कुछ और चीजें भी लिख दी हैं। कई बार ये कहता है बेटा कंजम्पशन हैबिट कैसे होती जा रही है कंज्यूमर की, कि 90% लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। कोई भी परसेंटेज वो देना दिमाग में चला जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का एक ट्रेंड ही तो दिखाने की कोशिश कर रहा है, या कहने लग जाए कि 25% लोग हेल्थ कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं। ठीक है ना। कंजम्पशन हैबिट की बात करें, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करें, ये कई लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहते हैं, ये ऐसी सारी बातें ट्रेंड को इंडिकेट करती हैं। ठीक है जी। कोई भी डेमोग्राफिक इंडिकेटर दे दे, कोई भी, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, मोर्टैलिटी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, कोई भी डेमोग्राफिक इंडिकेटर दे दे बाबू। सोशल एनवायरमेंट, वुमेन्स पार्टिसिपेशन, बैच में डिस्कशन किया था, बताया भी था बेटा, एक एग्जाम्पल भी दिया था अगर याद हो तो। नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन्स बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, टिफिन सर्विसेज की डिमांड बहुत ज्यादा बूम पर है, स्पेशली इन एनसीआर मेट्रोस। याद है करी थी बात ये बेटा। कभी हेल्थ की बात करे या वुमेन पार्टिसिपेशन, मैंने दो बार लिख दिया क्या? अच्छा चलो खैर, लिखा गया कोई नहीं। ठीक है जी। बेटा ये सब सोशल एनवायरमेंट है। वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, इनोवेशन या इंप्रूवमेंट से, तो बेटा बैच में दो टर्म समझाई थी। बेटा इनोवेशन कहीं ना कहीं, बेटा इनोवेशन के डेफिनेशन में ये वर्ड आते हैं, न्यू वेज, न्यू मेथड, ठीक है ना बाबू, ये इनोवेशन से ही रिलेट करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इन चार बातों में। ये दो बातें भूलना नहीं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट सबसे ज्यादा इन दो बातों से आएगा, कि कंपनी ने ना सेल्स करने के लिए ना अपनी वेबसाइट बना ली। पहले तो ऑफलाइन अपने स्टोर पे सामान बेचते थे, अब ऑनलाइन लिंक से बेच रहे हैं, अब वेबसाइट से बेच रहे हैं। तो बेटा हर काम को करने का एक नया तरीका ढूंढना ही इनोवेशन है। अब आपने सेल करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया, अब आप ऑनलाइन लिंक वेबसाइट से बेचोगे, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ाए बात को आगे। चलो जी बाबू, पॉलिटिकल एनवायरमेंट याद है, एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस। कभी भी कहे बेटा गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड ऐसा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का एटीट्यूड ऐसा है, या स्टेट गवर्नमेंट का एटीट्यूड ऐसा है, या स्टेट स्टेट, बेटा इंडिया के सभी कानूनों में अगर ये वर्ड स्टेट देखने को मिलता है, इसका मतलब कुछ और नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट। या कभी कहे प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल एनवायरमेंट है। ठीक है जी। बाबू लीगल एनवायरमेंट, आपको बताया था मैंने इसका स्कोप बहुत खतरनाक है लीगल एनवायरमेंट का। किसी ने भी कोई कानून बना दिया, कोई गवर्नमेंट बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कोई कोर्ट ने बना दिया, कोई पंचायत ने बना दिया, सब आ जाएगा यहाँ पर। सर कह दे कोर्ट ने ऐसी डायरेक्शन दी, या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी डायरेक्शन दी, या पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया, आरबीआई ने डायरेक्शन दी, कैबिनेट ने ऐसा कर दिया, कोई कानून पास कर दिया, कोई लॉ बना दिया, या लाइसेंस इशू करा किसी कानून के तहत, ये सब बातें बेटा कहीं ना कहीं लीगल एनवायरमेंट है। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी लीगल एनवायरमेंट है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि वो भी तो कानून की बात ही है, वो हमारा एक लॉ ही तो है, सारे लॉज एंड लेजिस्लेशन
लीगल अमाउंट। हाँ बेटा बाबू, दोनों का एटीट्यूड एक ही लाइन में पता लग रहा है, लीगल भी होगा और इकोनॉमिक भी होगा, बिल्कुल हो सकता है। अभी जो तू बात कह रही है, अभी कम से कम 10 क्वेश्चन में दिखाऊंगा तुझे, अभी आज ही, ठीक है? 10 क्वेश्चन में ये बात, एक ही लाइन से दो दो चीजें होती है, ठीक है जी? बाबू मैं एक बार स्क्रीन पर ला रहा हूँ जरा सारी केस स्टडीज, ठीक है? एक बार खत्म आज ही करनी है बेटा, देखो, ठीक है जी? चल बेटा बस रीड करना शुरू करेंगे केस। कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैर। दो डायमेंशन आइडेंटिफाई करनी है, पढ़ना बेटा फटाफट से। ओ मेरा ख्याल ढूंढ पाए होंगे, सोशल और टेक्नोलॉजिकल दिखाई दे रहा है क्लियरली। चलो जी बाबू, इसमें ए पार्ट का आंसर नहीं करना क्योंकि एलपीजी अब आपके कोर्स में नहीं है। बी पार्ट का आइडेंटिफाई कर दो, आप पढ़ना एक बार ढंग से। देन कुछ समझ में, इंपॉर्टेंस बतानी है। और अगर आपने देखा हो तो ये कहीं ना कहीं बेटा केवी मोटर्स ने क्या किया, स्मॉल कार की नीड रिकॉग्नाइज करी और बनानी शुरू कर दी। सर इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये लाइन मैंने अंडरलाइन की हुई है, इससे भी बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। बाबू कहता है इंडियन गवर्नमेंट ने ना एफडीआई को एनकरेज किया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ और एमएनसी जिनका कार मैन्युफैक्चरिंग में नाम है वो इंडियन मार्केट में आ रही है। अब केवी मोटर को डर तो लगेगा, कॉम्पिटिटर आ रहा है। इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड सर्व एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल, ठीक है जी? चलो जी, इन्होंने शायद ये आइडेंटिफाई किया ही नहीं था, इन्होंने नहीं किया था, ठीक है ना? इन्होंने तो आगे बढ़कर तीसरा एक और आइडेंटिफाई कर दिया, जबकि बेटा ये बिल्कुल क्लियर हिंट था कॉम्पिटिशन का, ठीक है जी? बाकी बेटा इसने लिखा है केवी मोटर्स फर्दर एक्सपेंडेड इट्स सर्विस नेटवर्क एंड क्वालिटी क्रिएटिंग एंड एंट्री बैरियर फॉर द कॉम्पिटिटर। बेटा केवी मोटर ने अपना सर्विस नेटवर्क इतना बड़ा कर लिया, क्वालिटी से भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, जिससे क्या हो रहा है फॉरन से आने वाले भी परेशान हो रहे हैं कि इनको कहां से टक्कर दे। सर इसे ही तो बोलते हैं हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है ना जी? अब मैंने कल एक और चीज देख ली बेटा, हैंगरीज की टक्कर भी आ गई है मार्केट में, लापिनो पिज्जा, और कर भी उन्होंने काम वही दिया, वेडनेसडे और फ्राइडे कर दिया 1+1। मैं एग्जाम्पल दे रहा था, पता नहीं ऐसे क्या होता है भैया, मेरी सारी बातें ऐसे निकलती हैं, वो होती जाती हैं, पता नहीं क्यों होता है ऐसा मेरे साथ। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना, डोमिनोज ने किया, उन्होंने ट्यूसडे और फ्राइडे किया था लापिनो ने। तुम्हें इसके लिए कभी कहने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर देता हूँ, तुम्हें पता नहीं, मैं अभी लग जाएगा पता। मुझे तो लगता है पावर ऑफ राइटिंग बहुत कुछ है, मैं हर बार प्रूव करता हूँ, ठीक है ना? तुम्हारे लिए तो मैंने बहुत कुछ लिखना शुरू कर दिया, तुम तैयारी करो बस। चलो नहीं ऐसे नहीं, मैं कुछ कर सकता, ऐसा भगवान नहीं हूं मैं बेटा। बाबू फटाफट से क्वेश्चन पढ़ के बताओ। वो एक काम कर रहा हूं मैं ना ग्रुप में शेयर कर रहा हूं इसके पीडीएफ, ठीक है? 10 से 12 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे नॉन स्टॉप, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना बहुत डिले होगा, ठीक है? आप पढ़ो, आप प्रॉब्लम हो वो ज्यादा बढ़िया, ठीक है? 15 मिनट का टाइम रखेंगे जिसमें हमें 10-12 क्वेश्चन पढ़ने होंगे, टाइम बाउंड, फिर डिस्कस करते हैं केस स्टडीज, ठीक है जी? मैं बता रहा हूं आपको, किसी की भी कोई प्रॉब्लम आई हो है, कौन सी, ये एक सेकंड, हाँ, तुम्हारे पेशेंस लेवल जितना कम होगा उतने ज्यादा दिखेंगे तुम्हें। अब बता देता हूँ, बहुत सारे दिख गए ना तुम्हें, निफ्टी 500 कंपनी तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी आइडेंटिफाई कर दिया, सोशल भी, सारी दुनिया कर दी तुमने, है ना? चलो अच्छा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं जो तुमने कभी पेशेंस से पढ़ा नहीं। कहता है उसने ये नहीं कहा फोर्सेस आइडेंटिफाई करो, क्वेश्चन हो सकता है आपने पढ़ा ही ना, मैं आपको ये भी बता देता हूँ।
आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट डिस्कस्ड अबव व्हिच ब्रॉट अबाउट द चेंज। वो डायमेंशन डिस्कस करो जिसकी वजह से चेंज हुआ। अब पहले तो ये मुद्दा उठता है, चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि निफ्टी 500 कंपनीज में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा, ये चेंज हुआ। ये नहीं पूछा किसकी वजह से हुआ, क्योंकि कानून में चेंजेस हुए उसकी वजह से हुआ, और सरकार ने कुछ बेनिफिट देने को कहा इसकी वजह से हुआ। लीगल और पॉलिटिकल आंसर है, थोड़ा पेशेंस बरतो और पूछो। नहीं एडिशनल तक ना भैया, अगर आगे की केस स्टडी देखी हो तो एक ही लाइन पे धड़ाधड़ फोर्सेस पूछी हुई हैं। क्वेश्चन 15, हाँ अभी देख लेते हैं भाई, आओ मुझे क्वेश्चन 15 पर भी हो। हाँ सर बताओ फिर। देखो इन्हें क्वेश्चन 15 पूछा, मैं आंखें बंद करके बता सकता हूँ क्वेश्चन फिर नहीं पढ़ा। कहता है आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर विच लेड टू दिस राइज। कहता है किस फैक्टर की वजह से ये राइज हुआ। राइज क्या हुआ? सेंसेक्स एक दिन में 2100 पॉइंट बढ़ी, ठीक है, ये राइज हुआ। ये नहीं पूछा उसने कि ये कौन सा एनवायरमेंट है, उसने पूछा ये राइज क्यों हुआ, क्योंकि कोई गवर्नमेंट इलेक्शन जीती थी इसकी वजह से राइज हुआ था, पॉलिटिकल एनवायरमेंट का चेंज है, ठीक है सर। क्वेश्चन बड़ा करो पेशेंस से और बताओ बस। चलो एडिशनल पढ़ने शुरू करेंगे, ठीक है ना, टू पढ़ेंगे मैं, बाकी क्वेश्चन लिख देता हूँ एडिशनल के कौन कौन से पढ़ने हैं। सेकंड तो कंफर्म है, इतने आप सेकंड पढ़ना शुरू करो, मैं बता रहा हूं। बाबू जितना भी पढ़ा आपने इनमें से उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू, जो रह गए हैं मान लो लगभग इतने रह गए हैं सबके, पांच चार ये करके आना, ठीक है जी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।